अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्राइम 100 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। नामपल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने जीएचएमसी हुदूद के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात के तहत कोल्लूर और अमीनपुर में 2BHK डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी के इफ्तिताह में शिरकत की। इस मौके पर वजीर खजाना टी हरीश राव, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारवान एमएलए कौसर मोहियुद्दीन, दानम नागेंद्र बीआरएस पार्टी खैरताबाद एमएलए, जुबली हिल्स एमएलए मगंती गोपीनाथ और दिगर आला अहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। पेश है हमारे नुमाइंदे शेख लुकमान की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साफ से कहना चाहता हूँ, 30,000 हाउसेस तो आप बना लिए हैं, हमारे वोटर्स भी आपके पास आ गए। आपको काबिले मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि आपको अब कोई भी हरा नहीं सकता है, क्योंकि आप जहाँ है वहीं से ही आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ये 30,000 हाउसेस के जो वोटर्स रहेंगे तो यूं समझो कि आपको 1,00,000 सबसे पहले वोट मिलेंगे, उसके बाद में बाकी चीजों के लिए रहेगा। तो मैं आज पब्लिक के अंदर ये बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन है, क्या ये सिर्फ 500 लोगों का जो ड्रा हुआ है इनको मिलेंगे बाकी नहीं मिलेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से 500 करके सीएम साहब और हरीश राव साहब फाइनेंस मिनिस्टर भी रिलीज करते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि सबको मिलने वाला है, जो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जिसको घर नहीं है उसको घर मिलेगा है। क्योंकि हमारी पार्टी का एक ही कहना है कि हुकूमत को गवर्नमेंट को यही कहते हैं कि जो बेघर है उनको घर दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे पास कई लोग ऐसे हैं जो गरीब लोग, जिसको घर की जरूरत है, वो चाहते हैं कि अपना एक घर हो जाए। तो मैं फिर एक मरतबा मुबारकबादी देते हुए कहना चाहता हूँ, ज्यादा वक्त इसीलिए नहीं लेना चाहता हूँ कि आप लोग काफी दूर से कोई सुबह 5 बजे 6 बजे अपने घर से निकल कर यहाँ आया है और यही सोच रहा है कि मेरे घर कैसा है पहले मैं देख लूं, उसके बाद वीडियो कॉल के जरिए से मेरी फैमिली मेंबर्स को बता दूं, ये देखिए ये आपका अपना घर है। बहुत बहुत शुक्रिया।